लोकसभा चुनाव के दंगल पांचवें राउंड तक पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ तीन राउंड ही बाकी हैं। इस चुनावी समर में तमाम दल अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं। शय और मात की लड़ाई अब संविधान बदलने पर आई। क्या कहता है 400 पार का गणित और अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए कौन बोल रहा है झूठ पे झूठ, इस पर हम आज खास मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 400 से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है, अभी हम उठा सकते। 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है, बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया कि बीजेपी संविधान में संशोधन के लिए 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि 10 सालों से बहुमत, लेकिन संविधान नहीं बदला, कभी भी जनादेश का दुरुपयोग नहीं किया। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त तो बहुमत है, हमने कभी यह अप्रूव नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। यही नहीं, अमित शाह ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी के समय बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास कांग्रेस ने किया था। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी, हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है। शाह की ये टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने बीजेपी का जिक्र करते हुए कहा था कि एक राजनीतिक दल ने अपने चुनाव प्रचार में कथित तौर पर वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को उखाड़ फेंकेंगे। दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है, इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। अमित शाह ने कहा कि 400 पार और 272 के बीच ज्यादा अंतर नहीं है और बीजेपी सिर्फ विस्तार चाहती है। स्थिर सरकार बनाने के लिए देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। जनता ने देखा है कि एक स्थिर और मजबूत सरकार देश के लिए क्या कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्यों विपक्ष इस तरह के नारे लगा रहा है कि संविधान बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के माहिर गेस्ट से आपको मुतारिफ करा दूं, हमारे साथ जुड़ेंगी माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, और सूर्य प्रकाश मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक। ईशान त्यागी, जरा वाजिया करना चाहेंगे, किस बुनियाद पर राहुल गांधी ने ऐसा इल्जाम लगाया और एग्जैक्टली किस दल पे इल्जाम लगाया कि भारत का आईन उखाड़ के फेंक देंगे? देखिए, जितना भी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है वो इस समय राजनीतिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। देखिए, क्योंकि क्या है कि मैं इनको दो लाइन में समराइज कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय क्या स्थिति है। कि तुम्हारे पांव के नीचे राजनीतिक जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे राजनीतिक जमीन नहीं, कमाल फिर भी है मोदी और शाह, तुम्हें यकीन नहीं। तो देखिए, जिस तरह से झूठ बोलने का काम और दुष्प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हम समय समय पे उजागर कर रहे हैं। और हमारे सभी नेता इस समय जितनी भी रैलियां कर रहे हैं उसमें इनके सारे झूठों को हम उजागर कर रहे हैं और जनता भारत का आईन फाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ देंगे। हम क्यों बोल जी, ये क्यों बोला? हम नहीं बोल रहे हैं ये बात, हम तो बोल ही रहे हैं ये बात। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, आप जाके देखिए, मेरठ के प्रत्याशी बोल रहे थे, अन्य जगहों के प्रत्याशी बोल रहे थे कि इस बार 400 पार लेकर आना है, क्योंकि मोदी जी को बड़े बड़े काम करने हैं और उसके लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। तो संविधान में ये कौन से संशोधन करने पड़ेंगे, कौन से ये बड़े काम है, ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ पर बताएं। एक चीज है उखाड़ के फेंक देना, एक चीज है, आप सुन लीजिए मेरी बात एक सेकंड के लिए। अगर तुलना करने पे, जी जी मैं आपको मौका दूंगी बात कंप्लीट करने का, अगर तुलना करने पे उतर आए तो बीजेपी ने भारत के आईन में अब तक 8 अमेंडमेंट्स किए हैं, 8, तो कांग्रेस ने बस थोड़े से ज्यादा 98 अमेंडमेंट्स किए हैं, साफ सुन लीजिए 98। तो संविधान कौन बदल रहा था? यानामेर जी, यानामेर जी, हमारे
सुन लीजिए, संविधान जो बदला जाता है ना, संविधान अच्छाई बेहतरी के लिए भी बदला जा सकता है, और संविधान देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए भी बदला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो चाहती है वो ये चाहती है कि एक ही पार्टी हो और एक ही नेता देश में रहे। इसका हम विरोध करते हैं और इसका हमारे देश का जो ढांचा है वो भी विरोध करता है और देश के लोग इस बात का विरोध करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की। चीन हमारा 4,000 स्क्वायर किलोमीटर लेके चला गया वहां इस समय। हमारे देश की 400 पार चाहिए। और इंदिरा जी की वो बात करते हैं, इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे, तब भी हमारी 400 पार नहीं थी। तो देश की सुरक्षाओं की जो सीमा होती है वो दिल से होती है, वो जिगर से होती है। 56 इंच का सीना की बात करने वाले आज 5 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं इस समय। ठीक है माधवी अग्रवाल जी, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी इम्पोज करवाना, बीजेपी के कश्मीर में 370 हटाकर कश्मीरी नेताओं को जेल में डालने से कैसे अलग था? याना जी, मैं सुन रही थी और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि कितनी बार चेंजेस हुए हैं, संशोधन हुए हैं इनके शासनकाल में। इन्होंने एक शेर पढ़ा तो मैं भी पढ़ देती हूँ, बोल देती हूँ। तुम्हारे नेता राहुल के पास दिमाग नहीं, कांग्रेस तुम्हारे जज्बातों में कोई आग नहीं। तो देश की जनता आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, किस तरीके से आप लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं। किताब लेकर संविधान की क्या घूम रहे हैं और घूमकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे ज्यादा तो संशोधन और सबसे ज्यादा चेंजेस करने वाले तो आप लोग हैं, सबसे ज्यादा बदलाव तो आप लोगों ने किया है, लेकिन बावजूद लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा देकर सालों तक आप लोगों ने देश में राज किया, आज तक गरीबी नहीं हटा पा रहे हैं। और अब वो खटाखट 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 करके पैसे भेज देंगे, कहाँ से भेज देंगे? जो अपना ठीक से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते हैं, भाषण देते समय 25 बार गलती करते हैं। प्रियंका गांधी जी पूछ कर बताती है कि आज यहाँ कौन सी तारीख को इलेक्शन है, उनको ये नहीं पता होता है। और ये पूरा खटाखट 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 गरीबी दूर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 10 सालों से पूर्ण बहुमत में है, वो आज तक संविधान को खत्म नहीं कर पाई, संविधान को बदल नहीं पाई, संविधान को चेंज नहीं कर पाई। अचानक अभी नेक्स्ट जब आएगी तो पूरा संविधान को उखाड़ के फेंक देगी। और कांग्रेस उसको धमकी दे रही है। कौन धमकी दे रहा है? राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं, जो अपने खुद के नेताओं पे जिनकी पकड़ नहीं है, उनके नेता भाग कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि लोगों को बहुत भ्रमित कर लिया, सालों से कर लिया। मुस्लिम भी आपके साथ नहीं, मुस्लिम नेता मुस्लिम की तो आप बात करिए ही मत। माधवी जी, मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, ना करो तो बेहतर है। और ईशान जी के पास मैं जाऊंगी ये सवाल लेके कि अपने नेताओं को जब नहीं बचा सके तो भारत की अखंडता को क्या बचाएंगे। लेकिन उससे पहले सूर्य प्रकाश मैथिल जी, क्या कर सकते थे मगर नहीं किया, इसके साथ साथ अमित शाह ने यह भी गिना दिया कि बीजेपी ने 5 सालों में क्या क्या किया। 5 सालों की बात कर रही हूं मैं, 10 की नहीं। राम मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक हटाया, 370 हटाया, मगर बेरोजगारी 2019 में 6.5% और आज भी 6.8%, महंगाई 2019 में 4.8% और आज 5.6%, खवातीन के साथ क्राइम्स में 2018 की तुलना में 2023 में 4% इजाफा, क्या इन मुद्दों से ज्यादा जरूरी था 3 तलाक, 370 और राम मंदिर? धन्यवाद याना जी, और आशा करता हूं कि मुझे 120 सेकंड आप इंटरप्ट देंगी बोलने के जी। और ईशान त्यागी झूठ बोल रहा था बड़े तलीके से, अरे मैं एतबार करता ना करता तो क्या करता। यही हाल जो है आज सारी कांग्रेस का है, जिस प्रकार से ईशान त्यागी का है। इन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट पे डबलिंग कर दी। एक तरफ आपने पूछा कि संविधान संशोधन जो है वो अच्छे के लिए क्या बुरे के लिए, ये करें तो रामलीला और हम करें तो करेक्टर लीला, वही स्थिति आज ईशान त्यागी जी कर रहे हैं। देखिए याना जी, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर संविधान संशोधन जो है वो कांग्रेस के शासन में किस प्रकार से हुआ। मैं 1975 का 42वां संविधान संशोधन की बात कर, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा गया। उसके अंदर संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्दों को जोड़ा गया। और याना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं संविधान सभा 1950, उसमें भी जब ये शब्दों को लेके आया गया था तो वहां पर उस समय की संविधान सभा ने एक मत से इन शब्दों को हटाया था। उन्होंने कहा था कि ये शब्द कभी भी भारत के इस संविधान में नहीं आ सकते। लेकिन देश की अंदर इमरजेंसी लगाकर पूरी की पूरी प्रेस को जेल में डालकर, विपक्ष को जेल में डालकर,
42वां संविधान संशोधन करके संविधान को बदलने वाला काम किसने किया? इंदिरा गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने किया। अब अपने जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के विषय में बोला जी, आपके 120 सेकंड खत्म होने वाले हैं जी, उन्होंने जी तो मैं उस पर भी आ जाता हूँ। आपने कहा ना कि बेरोजगारी के ऊपर, क्या बेरोजगारी और अपराध जो है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है राम मंदिर, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है धारा 370 और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ट्रिपल तलाक? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी मुद्दों का अपना अपना महत्व होता है। 550 साल तक हिंदुओं ने इंतजार किया और कोर्ट के आदेश के बाद आज एक भव्य और प्रतिष्ठित राम मंदिर बना। ठीक है, ठीक। लेकिन आपने 2019 और 2024 की तुलना की, मैं आपसे पूछता हूँ आपने क्यों नहीं तुलना की 2004 से 2019 की? उसकी तुलना पर आएंगे, जरूर आएंगे सूर्य प्रकाश जी, आपका आपका मुद्दा सही है, उस मुद्दे पर हम जरूर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का बयान एक बार फिर से सुनिए। शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है, इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। ये कांग्रेस वाले जरा कान खोल कर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। अपने गेस्ट के पास वापस जाने से पहले ये विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जरा गौर फरमाइए इन विजुअल्स पर। मोदी जी यहाँ संविधान की पूजा करते हुए नजर आए। जो शख्स संविधान की पूजा करता है, क्या कभी भी उसका इरादा ये हो सकता है कि संविधान को बदला जाए या उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए? ये तो जनता खुद तय करेगी जी। अभी लौटते हैं हम अपने गेस्ट के पास वापस, बराह रास्त में ईशान त्यागी जी के पास जाऊंगी। ईशान जी, क्योंकि आज हम इतिहास में झांक ही रहे हैं तो आज सही मौका है दलितों और किसानों की खुशहाली की बात करने वाली कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ, मतलब इतने दशकों की हुकूमत में इन तबकों के खातिर क्या किया कांग्रेस ने, ये गिना दीजिए। याना मीर जी, हम तो आज भी दलितों की बात कर रहे हैं, हम तो आज भी किसानों की बात कर रहे हैं, क्या एक्शन दी मैं आपको बता देता हूँ। किसानों की आप बात करते हैं, किसानों के लिए हम हरित क्रांति लेकर आए थे, हमारी 400 पार नहीं थी उस समय। किसानों के लिए हम श्वेत क्रांति लेकर आए थे, हमारी 400 पार नहीं थी उस समय। और बात करिए चलिए युवाओं की, युवाओं को हमने बेरोजगारी से निकालने का काम किया और हमने देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं लगाई जिनको हम महारत्न और नवरत्न कहते हैं, जिनको खत्म करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, ये हमने युवाओं के लिए किया। अब आइए आप महिलाओं पे, महिलाओं को हमने जो महिलाएं काम नहीं करती थी देश में, जब आजादी हुई थी मानसिकता ये थी कि महिलाएं घर में बैठेंगी, वो आप जैसी महिलाएं, सशक्त महिलाएं आज न्यूज रूम भी चला रही हैं और एक हमारी महिला आज के दिन में देश का नेतृत्व भी कर रही है जो कि प्रेसिडेंट है, जिसका अपमान करने का काम बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है। अब आइए देश में 10 साल में मेरे भाई गिनवा रहे थे क्या दिया। देखिए राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, राम मंदिर तो देश के माननीय उच्च न्यायालय में एक डिसीजन आया था उसके तहत राम मंदिर बना, हमको उस बात की खुशी है। पहली बात तो ये, पेट्रोल का दाम हम छोड़ के गए थे 70 रुपए पे, उसको आज 100 रुपए से लेके 110 रुपए के बीच में वो झूल रहा है। सिलेंडर की लोग बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, जब सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर को हम 410 रुपए पे छोड़ के गए थे जो आज 1100-1200 रुपए का मिल रहा है और अभी चुनाव चल रहे हैं तो इसे थोड़ा सा कम कर दिया है। बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे ज्यादा हमारे देश में हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में हुई। जितने भी महारत्नों और नवरत्नों का मैंने नाम लिया अभी, उन महारत्नों नवरत्नों को खत्म करने का काम, उनको प्राइवेट करने का काम, अपने मित्रों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देखिए इनके पूर्वजों ने जो आरएसएस है उसने तो 500 साल तक देश के तिरंगे का अपमान किया, अपने हेडक्वार्टर पे नागपुर में तिरंगा नहीं लहराया था। तो ये हमें देशभक्ति तो पहली बात ना सिखाए। दूसरी बात तो राहुल गांधी के पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी कई गलियां हैं, उनकी रैली में भी कई बार
हरे झंडे उठाए गए, देश का झंडा नहीं उठाया गया, ये भी बात सही है। माधवी अग्रवाल जी, ये 400 जी, आपका सवाल लेके मैं माधवी जी के पास जाऊंगी। झंडा पाकिस्तान का था, ये हरे झंडे से क्या मतलब है? क्या वो हरा झंडा पाकिस्तान तो क्या आरएसएस ने जो झंडा लगाया वो नेपाल का था क्या? माधवी अग्रवाल जी, नहीं, ये झंडे की बात नहीं हो रही है इस बात, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात। मैं साफ साफ बोल देती हूँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग को तो आप लोगों ने टिकट दे के चुनाव लड़ा रहे हैं इस बार तो। चलिए आप मुद्दे पर वापस आते हैं, माधवी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। नारा लगाने वाले जी, माधवी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ईशान त्यागी जी, आप ही का सवाल इनडायरेक्टली मैं इनकी तरफ ले जा रही हूँ। माधवी जी, ये 400 पार की जिद क्यों? स्थिर गवर्नमेंट की खातिर या जितने सीटें होंगी उतना इलेक्टोरल बॉन्ड से मुनाफा? ये तो आपने विचित्र सवाल पूछ लिया मुझसे। देखिए, गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोला कि हर व्यक्ति, जैसे कोई भी अगर कोई पढ़ाई करता है तो वो सोचता है कि अगर वो 80% लेके आए तो नेक्स्ट वो 90% लेके आए, फिर नेक्स्ट टाइम वो सोचता है कि 100% 99% लेकर आए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो एक उम्मीद है कि भी अभी तक हम लोगों ने हर बार सीटें ज्यादा प्लस की हैं, तो इस बार हमने सोचा कि अब इससे भी आगे बढ़ा जाए, तो 400 पार का नारा इसलिए भी लगाया गया। दूसरी बार, स्थिर सरकार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से घटक दल एक साथ अपना हाथ मिला के खड़े हुए हैं, जो कि इनका मतभेद बहुत ज्यादा है और सामने सामने साक्षात दिखता भी है, एक दूसरे को गरियाते हैं, एक दूसरे के लिए अपशब्द बोलते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं राज्यों में। तो मेरे कहने का था, जब ऐसे लोग जब सरकार बनाएंगे तो देश में कितनी अस्थिरता फैलेगी और ये इससे देश का नुकसान होगा। इसीलिए इसको देखते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार के तौर पे, और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने अच्छा रिजल्ट किया है हर इलेक्शन पे, तो इस बार भी हमारा और बढ़ोतरी हो सीटों में और हम 400 पार का नारा लेकर इस बार आए हैं, और पूरी उम्मीद के साथ और सोच के साथ कि देश की जनता का मैंडेट हमें फिर से एक बार मिलेगा। मेरी आवाज जा रही है क्या? जी जी, सुन रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं जी। रही बात, मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस कितनी भी बोल दे कि भाई ये लोग आएंगे, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान फाड़ के फेंक दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, प्लीज आप लोग झूठ मत बोलिए। इतना इतना मत अराजकता फैलाने की कोशिश करिए कि देश में दंगे लग जाएं। आप लोगों का जो काल है ना इंदिरा गांधी जी का, वो पूरे देश के इतिहास में डार्केस्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई थी, अब तो मेरे ख्याल से विश्व में कभी नहीं लग सकती है। आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी सिर्फ 3 कारणों से लग सकती थी, लेकिन उन्होंने जो अपना कारण बताया वो ये था कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा था। लेकिन डिस्टरबेंस क्या हो रहा था? हाई कोर्ट का जो उनके लिए ऑर्डर आया था, जिसमें नल एंड अवॉइड का जो उनके ऊपर में केस चल रहा था, और दूसरा जेपी नारायण जी का जो जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, उसकी वजह से इंदिरा गांधी डर के मारे, क्योंकि उनकी कुर्सी चली जाएगी उनसे आपसे, और उन्होंने इमरजेंसी लगा जी, जी, जी आपका पॉइंट मिल गया कि इमरजेंसी करने का उनका जो रीजन था वो गलत था। सूर्य प्रकाश जी भी आपको रिस्पांस देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय मिश्रा जी, ये कह रही है झूठ की बात कर रही थी तो उससे याद आया, कभी सीए एनआरसी के बारे में गलत सिखाना, कभी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का गलत इल्जाम लगाना, आवाम को सही का भी पता है और गलत का भी, तो झूठी अफवाहें फैलाकर क्यों ऐसी स्थिति खड़ी करनी कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता? ये हम नहीं कहते, अमित शाह ने कहा। हाँ, देखिए बेसिक फर्क है अरविंद के। तो सूर्यप्रकाश मैथिल जी से मैं यही सवाल लूंगी। सूर्यप्रकाश जी, झूठी अफवाहें फैला के क्या मकसद है झूठी अफवाहें फैलाने का? इससे फिर आवाम खुद जो है इनके नेता को सीरियसली नहीं लेगी, और ऐसा कहना है अमित शाह का। धन्यवाद। देखिए, जितना ईशान त्यागी को आपने स्क्रीन पर दिखाया उतना ही मुझे भी दिखा दीजिए, बोलते समय तो बहुत अच्छा लगेगा मुझको। अपनी पीसीआर को कह दीजिए। और रही बात बार बार जो नवरत्न चिल्ला रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा ईशान भाई बताओ ना, आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूँ, जरा इंटरनेट पर चेक कीजिए, और चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो किया था, इसको बेचा था, वो बेचा था मनमोहन सिंह सरकार ने। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको बेचा था मनमोहन सरकार ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बाद वो एक्सिस बैंक बन गया। और मैं लगातार आपको गिनवा सकता हूं कि कितनी कंपनियों को इन्होंने डिसइन्वेस्ट किया PSU को। और खुद मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट है कि देश के अंदर सरकारी कंपनियां नहीं होनी चाहिए, सरकार केवल एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए होती है, बिजनेस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर होता है। दूसरी चीज, यहां पर ये कह रहे थे कि हमें राम मंदिर से खुशी है,
मैं पूछना चाहता हूं, ईशान त्यागी आपके राहुल गांधी को तो नहीं लगती? आप लोग तो वही हो ना, बताओ कहां हुए थे भगवान श्री राम पैदा, बताओ? और ईशान त्यागी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? प्रकाश मैथिल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा ये नारा लगाते हैं जय जय सियाराम, आप बोल नहीं पाएंगे जय जय सियाराम। और दूसरी बात सुन लीजिए, जो संवैधानिक संस्थाओं का आपने दुरुपयोग किया है पिछले 10 साल में, तो जनता आपको जवाब देगी। जो इंटरनेट आपने बंद किया है कश्मीर में, तो जनता आपको जवाब देगी। आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं और नए कश्मीर बनाने की बात करते हैं, कश्मीर के उस कश्मीर में आप एक सीट लड़ने का काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। देखिए चिल्लाते रहिए खूब, जोर जोर से बोलने से झूठ सत्य नहीं बन जाता सूर्य प्रकाश मैथिल। और LIC की फुल फॉर्म पूछी थी तुमसे मैंने, LIC की फुल फॉर्म नहीं बता पाओगे, क्योंकि LIC को प्राइवेटाइज करने का काम, LIC का निजीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आराम से देश की जनता करने वाली है दूर। और एक और बात याना जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपने माधवी जी को बोला था कि मुसलमानों की तो आप बात मत कीजिए, ऑब्जेक्शन है मुसलमानों के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। याना मीन जी, नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, सूर्य प्रकाश मैथिल की अपनी बाकी डिबेट की डिबेट निकाल लीजिए। किस तरह से ये देश के मुसलमानों को दुस्कारने और गरियाने का काम करते हैं, ये इनकी मानसिकता झलकाता है। और प्रधानमंत्री जी तो बात ही ना करें मुसलमानों की, कि क्योंकि जब उनसे झूठ सामने आ गए और उसके बाद वो रोने भी लगे वहां पे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी और माधवी जी, मैं आपको बता दूं कि बार बार मुसलमानों को इस तरह टारगेट बनाना अपनी दलीलों में, अपनी तकरीरों में, इससे देश की जनता भी गुस्सा हो रही है। और ये आपके लिए घुसपैठिए किसको बोलते हैं याना मीर जी, पूछ लीजिए। अच्छा घुसपैठिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था, घुसपैठिए कौन है? बहरहाल यहाँ बात मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात यहाँ मुसलमानों की नहीं हो रही है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा देना चाहूंगी हमारे शो पर जुड़ने के लिए। हम कुछ विजुअल्स चलाएंगे आपके लिए, प्लीज इन विजुअल्स पे गौर फरमाइएगा। संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का बयान एक बार फिर से सुनिए। कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है, इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। ये कांग्रेस वाले जरा कान खोल कर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। बीजेपी का दावा है कि 10 सालों में जो भी फैसले लिए गए वो आवाम के हक में लिए गए, और सियासी मुखालिफ का दावा है कि बीजेपी ने सिर्फ ठेस पहुंचाई, गुमराह किया और जुमलेबाजी की है। बहुमत का दुरुपयोग किसने किया किसने नहीं, ये तो आवाम खुद तय करेगी अगले 3 चरणों में। मगर संविधान के साथ कोई भी सियासी दल अपने वोट बैंक एडवांटेज की खातिर खिलवाड़ करे, ऐसा नहीं चलेगा।